लाइफ में हर इंसान को कभी ना कभी एक बार प्यार जरूर होता है। अब वो बात अलग है कि वो प्यार उसको किस हद तक ले जाता है, ये तो उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो आपको अंदर तक झकोर कर रख देगी। विनय प्रताप सिंह, उम्र 60 साल, जो एक क्लास 1 ऑफिसर थे, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी और कुछ ही समय बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनके परिवार में बस दो ही लोग थे। उनकी पत्नी का देहांत 10 से लगभग 15 साल पहले हो गया था और उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था, क्योंकि दोनों पति पत्नी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में। धीरे धीरे समय बीतता है और उनके रिटायरमेंट का समय आ जाता है। रिटायरमेंट के बाद विनय प्रताप जी अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उनका बेटा और बहू उनके पास आते हैं और उनको अपने साथ मुंबई ले जाने की बात कहते हैं। बेटा और बहू उनसे कहते हैं कि पापा, अब आप रिटायर हो चुके हैं, अकेले यहाँ क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय जी मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है और यहाँ मेरे लोग हैं और मैं अपनी बची हुई जिंदगी यही बिताना चाहता हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं मानते हैं तो बेटा और बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना एक रूटीन बना लिया था, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। वहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाया करते थे जिनसे वे अक्सर बातचीत किया करते और फिर वापस घर आकर नाश्ता किया करते थे। पहले तो वह सारा काम खुद ही कर लिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक मेड रख ली जो उनका खाना बना दिया करती थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ ही जाती है। चाहे वह अपने आप को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले, विनय प्रताप भी इस अकेलेपन से जूझने लगे। अब सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर तो साथ में नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में टीवी देखने की भी एक हद होती है। यही विनय जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी, वह अब वो सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वह अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब अकेलापन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाना शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया जहां पर उनके रिश्तेदार और उनके फ्रेंड उन्हें रिक्वेस्ट भेजने लगे। धीरे धीरे वो अनजान लोगों की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वो लड़की इंडियन है लेकिन कनाडा में रहती है। लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोचने के बाद विनय प्रताप ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। जब अपने देश का कोई इंसान विदेश में मिल जाए तो उससे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। अब दोनों लोगों में बातचीत शुरू हो गई। उस लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वो भी हिमाचल की ही रहने वाली है, लेकिन इस समय वह कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। अब इस तरह इन लोगों की बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। अब दोनों एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पाते थे। ये सिलसिला 15 से 20 दिन तक यूं ही चलता रहा। सुबह से शाम तक चैटिंग होती रहती और अब उन्होंने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। एक दिन विनय प्रताप सिंह ने अचानक सोनिया से वीडियो कॉल की डिमांड कर दी, क्योंकि वह उसे देखना चाहते थे। सोनिया ने भी बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल की हामी भर दी। जब विनय प्रताप सिंह ने सोनिया को वीडियो कॉल पर देखा तो देखते ही रह गए। वो उसकी खूबसूरती के कायल हो गए। वो भूल गए थे कि वो 60 साल के हो चुके हैं और अब बुजुर्ग है। वो उसे मन ही मन चाहने लगे। कुछ दिनों बाद सोनिया ने उन्हें बताया कि उसे किसी काम के लिए इंडिया आना है। विनय प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया से उन्होंने कहा कि वो जब भी इंडिया आए उनसे जरूर मिले। इस पर सोनिया ने हंसकर जवाब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इंडिया आए और उनसे ना मिले। एक हफ्ते बाद सोनिया की इंडिया के लिए टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे पहले कोई काम कांगड़ा में निपटाना है, फिर उसके बाद वह उनसे मंडी में आकर मिलेगी। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार करने लगे। दो दिन बाद सोनिया का फोन आया कि वह मंडी पहुंच चुकी है।